हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित प्रजापति, ट्रेडर, आपका अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है। जब भी आप ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, आपको ज़्यादातर टाइम आपको लॉसेज होते हैं। आपने काफ़ी कोशिश कर ली है, काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देख ली है, लेकिन आप फॉरेक्स में कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है। देखिए दोस्तों, आपको अगर फॉरेक्स में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, आपको कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं, तो इसके पीछे का जरूर एक कारण ये होगा कि आपने जो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, आपने अपने दोस्त को देख कर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी, या फिर आपने कोई यूट्यूब पर ऐड देखा होगा, या फिर आपने रील्स देखी होंगी, कहीं ना कहीं किसी से सुन के आपने उससे इन्फ्लुएंस होके जस्ट रैंडमली फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी होगी। तो दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यहाँ से वास्तव में एक अच्छा फैंटेस्टिक अमाउंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फॉरेक्स को बेहतर ढंग से सीखने की आवश्यकता है और आपको ज़रूर फॉरेक्स को सही से सीखना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कि आपको कंटिन्यूसली जो लॉसेज हो रहे हैं उसको ओवरकम कैसे करें और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग की ही बात नहीं करते, ट्रेडिंग के अलावा आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, दुनिया में कोई भी फील्ड ले लीजिए, आपको उसे सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना होता है, प्लस उसको एक सिस्टमेटिक वे में करना होता है। सपोज अगर आपको कोई शॉप खोलनी है टेक्सटाइल की, कपड़े की, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले उस कपड़े का, जिस तरह का भी आप कपड़ा बेचना चाहते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी कि उसकी क्वालिटी क्या होती है, मार्केट में किस तरीके की डिमांड है। उसके बाद आपको एक शॉप का भी अरेंज करना होता है, शॉप को भी आप देखते हो कि भाई कहाँ पर ज़्यादा चलेगी, कहाँ नहीं चलेगी। उसके बाद दुकान ओपन करने के बाद भी इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग को ज़्यादातर लोग आपको इन्फ्लुएंस जो करते हैं वो करते हैं, जस्ट आप एक अकाउंट ओपन करो, आप अपने अकाउंट में $100 डालो, $500 डालो या फिर $1000 डालो और 2-3 दिन में उसका डबल हो जाएगा। आपको सपने दिखाए जाते हैं कि रातों रात आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप 10 गुना 20 गुना 50 गुना पैसा बना लोगे। तो दोस्तों, वो एकदम गलत तरीका है, ऐसा ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, ट्रेडिंग को अगर आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, अपना कंटिन्यूसली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अपने लॉसेस को ब्रेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको फॉरेक्स को सीखना पड़ेगा। फॉरेक्स को सीखने के आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं एक बिगिनर के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो महंगे महंगे कोर्स ले, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। दोस्तों, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे आप सर्च करेंगे व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो उसमें आपको दोस्तों देखना है कि एग्जैक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। अगर मैं इन शॉर्ट आपको यहाँ पर बताऊँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है जो इंडिया से बाहर ट्रेडिंग होता है। इंडिया से बाहर जो हम ट्रेड करते हैं उसमें हम करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड होते हैं, जैसे कि यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। तो दोस्तों, ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होते हैं। इसके अलावा आप विदेशी जो इंडेक्स होते हैं उनको भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अपना इंडिया में हम निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं, ऐसे ही फॉरेक्स में जो इंटरनेशनल इंडेक्स है, लाइक नेक्स्टडेक है, डाउ जोन है, US 100 है, और बाकी और भी कंट्रीज के जो इंडेक्स होते हैं हम उनको भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आप सीख लेंगे कि भाई अपने को ये पता चल गया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक होता क्या है, एग्जैक्टली हम जो फॉरेक्स में करते हैं तो सिर्फ बाय सेल करना फॉरेक्स नहीं है, उसका हमें फंडामेंटल पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये हमने बात करी। उसके बाद दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एक अच्छा ब्रोकर, क्योंकि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग रेगुलेटेड नहीं है, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, मैंने अपनी पहली बहुत सारी वीडियो में बताया है, पूरी तरीके से रेगुलेटेड नहीं है लेकिन बैन भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको चाहिए रहता है एक अच्छा ब्रोकर जहां पर आपके फंड की सेफ्टी रहे, क्योंकि आए दिन ऐसे केसेस मेरे पास तो आते रहते हैं कि लोगों का फंड्स काफी सारा, मतलब $10,000, $20,000, $50,000 ब्रोकर से विड्रा नहीं होता है, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्लाइंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आपको चाहिए रहता है एक अच्छा ब्रोकर, रेपुटेटेड ब्रांड, कि जिसमें आपका फंड सेफ हो। दो बातें हो गई। तीसरे नंबर पे आती है बात दोस्तों कि आपको सीखना चाहिए कि भाई देखिए, कैंडल्स चलती है मार्केट में, जितना भी प्राइस आपको दिखेगा वो कैंडल्स के बिहाफ पर दिखेगा। अभी देखिए, जो लाइन वाले चार्ट होते थे उसका तो ट्रेंड नहीं है। तो दोस्तों, जब सारा का सारा चार्ट आपको, सारा का सारा प्राइस आपको चार्ट देखना है कैंडलस्टिक वाला, तो आपको रीडिंग करनी चाहिए कैंडलस्टिक चार्ट की,
कैंडलस्टिक को आप समझिए, कैंडलस्टिक चार्ट होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है आपको पता होना चाहिए। अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, एक तो ओपन प्राइज होता है, एक क्लोज प्राइज होता है, वो कितना हाई गया वो होता है और कितना लो गया वो भी उसमें प्राइज रहता है। तो आपको उसी को तो ट्रैक करना है, उसके बारे में आप रीडिंग कीजिए। जैसे कि आप सर्च कर सकते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, उसके अलावा जो कैंडलस्टिक की जो स्ट्रेटजी होती है लाइक प्राइज एक्शन की स्ट्रेटजी होती है, कुछ इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी होती है, तो उनको जब आप सीखेंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% शॉर्ट फॉर्मूला है कैंडलस्टिक को सीखने के बाद अब आपकी सारी ट्रेड ही प्लस में जाएंगी, लेकिन दोस्तों ये एक नॉलेज है, ये नॉलेज का पार्ट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का ही पार्ट है। अगर आप इन चीज़ों को सीखते हैं तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है। जो आप रेंडमली ट्रेड ले रहे हैं वो आप फिर रेंडमली ट्रेड नहीं लेंगे, फिर आप लॉजिक्स के आधार पर ट्रेड लेंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, देन दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम मार्केट में ज़्यादा पैसा लेकर आएंगे तो हम यहाँ से ईजिली प्रॉफिट बना लेंगे और ज़्यादा पैसा बना लेंगे। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा मिथ है, इस मार्केट में फॉरेक्स में अगर कोई बहुत सारा पैसा लेकर आता है और नॉलेज नहीं लेता तो उसका सारा पैसा जीरो हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस मार्केट में बेशक कम पैसे के साथ आएं लेकिन नॉलेज के साथ आएं तो दोस्तों इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। वास्तव में फॉरेक्स में बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है लेकिन नॉलेज के बिहाव पे। तो इसीलिए आप ज़्यादा कैपिटल लगाने की बजाय स्टार्टिंग कम कैपिटल से करें। जब आप कम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कैपिटल का रिस्क ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा, आप छोटे लॉट से ट्रेड स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, कैंडलस्टिक चार्ट को सीखिए, स्ट्रेटजी को सीखिए, फिर आप जब रियल फंड वो भी स्मॉल अमाउंट लेकर आइए, जैसे कि 100-200 मैक्सिमम $500 कर लीजिए अगर आप बिगिनर है। तो उसके बाद दोस्तों आप छोटे लॉट से प्रैक्टिस कीजिए। आपने कोई भी स्ट्रेटजी सीखी है या फिर आपने कोई भी स्ट्रेटजी बनाई है तो उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी ट्रेड किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर वो आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है तो डेफिनेटली फिर आप लॉट को बढ़ा के काम कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो ये छोटा कैपिटल होता है 100-200-500 का, इसमें प्रैक्टिस ही होती है और आप छोटा छोटा प्रॉफिट भी बना लेते हैं। लेकिन अगर आप बात करें बहुत बड़े प्रॉफिट की, कि आपको दिन में $1,000 कमाना है, तो उसके लिए आपको बड़ा कैपिटल चाहिए रहता है और आप बड़े कैपिटल को तब मैनेज कर पाएंगे जब आप छोटे कैपिटल को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं। तो दोस्तों होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप सिस्टमेटिक वे में ये सब चीज़ें करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली आप एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे और आप एक दिन बहुत बड़ा फंड भी इजीली मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों फॉरेक्स में बहुत पोटेंशियल है। आपको चाहिए रहता है एक अच्छा ब्रोकर जहाँ पर आपका फंड सेफ हो, क्योंकि अगर आपने देखिए स्किल्स भी अच्छी ले ली, आप ट्रेड भी अच्छा करते हैं, आपने बड़ा कैपिटल भी डाल लिया, लेकिन अल्टीमेटली जब आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है, फंड बढ़ जाता है ब्रोकर में और आप विड्रॉ नहीं कर पाते ब्रोकर से, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पर आपकी कंप्लेन भी नहीं हो पाती कहीं पर। तो इसीलिए इस चीज़ का सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, आप हमारे लिंक से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि जो भी ब्रोकर मैं यहाँ पर प्रमोट करता हूँ वो हाई रेपुटेटेड ब्रांड है और आपका फंड उन ब्रोकर में सेफ रहेगा। साथ ही आपको मेरा ट्रेडिंग सपोर्ट मिलेगा। आपको कभी भी ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा, कभी भी आपको डिपॉजिट विड्रॉ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही दोस्तों जो मैंने आपको सीखने का प्रोसेस बताया फॉरेक्स ट्रेडिंग को, तो वो भी आपको हमारी तरफ से मिलेगा। जैसे आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, मिनिमम $100 से अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अपने अकाउंट में बैलेंस डालना होता है, हमें कुछ नहीं देना होता, तो दोस्तों हम आपको ऐड करते हैं प्राइवेट ग्रुप में। प्राइवेट ग्रुप में मिलती है आपको लाखों रुपए की फ्री स्ट्रेटजी, जहां पर दोस्तों आपको एग्जैक्टली सिखाया जाता है कि आपको मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहां पर आपको बाय करना है, कहां पर सेल करना है, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टीपी कैसे सेट करना चाहिए, और साथ ही हमारे डेली बेसिस पर आपको सिग्नल भी मिलते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं हमारी तरफ से, जो कि आप सभी लोगों के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि दोस्तों हमारा ये मोटिव है कि हम अपने इंडियंस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग की सही नॉलेज प्रोवाइड करवा पाएँ। क्योंकि दोस्तों फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं जो आपको फेक टिप्स देते हैं, बहुत सारा पैसा ऐंठ लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हमने डिसाइड किया है कि हम अपने इंडियंस लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग का ज्ञान एक सही वे में देना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं। तो अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप नीचे जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल या सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।